नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सो रमन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में, एक ऐसी हैबिट के बारे में, अगर आप इसको अपना लेते हैं तो आपके लाइफ में खुशियाँ, प्रोग्रेस, अचीवमेंट्स 10x हो सकती है, 100x हो सकती है, जितना आप चाह सकते हैं उतनी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम स्किल के बारे में जानेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं स्किल के बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इस स्किल का सबसे पहला बेनिफिट है, आप अकेलेपन से बच सकते हैं, आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं, फालतू के आर्गुमेंट्स और बहसबाजी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, आप सामने वाले के झूठ को बड़ी ही आसानी से पकड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, आप किसी भी काम के प्रोसेस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उसे अप्लाई करके अपने काम को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप नेचर को बड़े गहरे से देख सकते हैं और उसे बहुत ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। ये स्किल इतनी पावरफुल है कि आप खुद को अपनी बॉडी से अलग होकर महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, खुद के विचारों को देख सकते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप जो बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, उस चीज़ को भी आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को बड़े बेहतर तरीके से हील कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, उसके डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक स्किल की जरूरत है, एक हैबिट की जरूरत है, वो है ऑब्जर्वेशन। आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। अगर आपको गुस्सा आए तो खुद को ऑब्जर्व करो कि हाँ, मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मेरे फेस एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं, मेरे हाथ पाँव कैसे चल रहे हैं। अगर आप इन्जॉयमेंट कर रहे हो तो खुद को देखो कि मैं कैसे इन्जॉय कर रहा हूँ, मेरी बॉडी मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, मुझे क्या फील हो रहा है। अपनी फीलिंग्स को, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को, अपने आसपास जो भी आ रहा है उन्हें एज ए अदर पर्सन देखो, अपनी फीलिंग्स को भी एज ए अदर पर्सन देखो कि वो अलग है, वो क्या कर रहा है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ऐसे देखो कि गुस्सा आ रहा है। आप कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद ऐसा महसूस करोगे कि अपनी फीलिंग्स अलग हैं, आप अलग हैं, आपकी बॉडी अलग है और जो सारा बाहर का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अलग है आपसे। अगर आप कुछ दिन भी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, आप ज्यादा खुश रहेंगे।